पाटन बाईपास पर एक वाहन ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक हार्वेस्टर को टक्कर मार दी है। एलपीडी वाहन की टक्कर इतनी जोरदार थी कि यहाँ बैठे जितने भी लोग थे सभी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर एलपीडी वाहन में सवार एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, तो वहीं हार्वेस्टर सवार लोगों को भी गंभीर चोटें आती हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। जब आया था तो ये हादसा हो चुका था। यहाँ लोकल से मैंने पता किया कि इनने बताया कि हार्वेस्टर धीमी रफ्तार पे चल रहा था और ये ट्रक ओवर स्पीड पीछे से हिट किया है सर। यस। क्या क्या दो घायल है, कोई मौत हुई है क्या? एक की मौत हो गई है सर, बता रहे हैं एक घायल है। आप लोग किससे सूचना दी, कुछ जानकारी दी है? मेरे को सर ये पुलिस वालों ने सूचना दी थी। हम लोग की इमरजेंसी दफ्तर थे, हाईवे पेट्रोलिंग व्हीकल है, मैं RPO हूँ, सुपरवाइजर रोड पेट्रोलिंग अफसर। क्या सब नाम आपका? उत्तम यादव जी। सर बताएं सर, आज दिनांक 30/3/21 को इलाम सिंह पिता जवाहर सिंह ठाकुर 29 वर्ष करमेता पाटन रोड थाना माढ़ो तालका थाना उपस्थित आकर बताया कि मेरा मामा लाल बहादुर सिंह बस में कंडक्टरी करता था। बस क्रमांक MP49P0492 है, जो दिनांक 27/3 को आया था। बस स्टैंड में बस में सोया था, इसके बाद जब नहीं दो दिन घर नहीं गया तो आज आकर देखा तो बस में मृत हालत में पड़ा मिला, जो सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। डेथ बॉडी को PM हेत मेडिकल कॉलेज रवाना किया गया, बाद PM रिपोर्ट के मुनासिब कार्रवाई की जाती है, मर्ग जांच पे लिया गया।